अचानक रियल एस्टेट बिजनेसमैन अमरनाथ सिंह गायब हो जाते हैं। पूछने पर उनकी बीवी मीरा सिंह कहती है, मेरे पति बाहर गए हुए हैं। पड़ोसियों से वो खाने पीने का सामान मांगती है, लेकिन सामान गेट से नहीं रस्सी से ऊपर खींचती है। दरवाजा खोलने पर मीरा कहती है, पति दरवाजा लॉक करके गए हैं। पड़ोसियों को उसकी बात खटकने लगती है। शक तो तब गहरा होता है जब मीरा के घर से बदबू आने लगती है। पड़ोसी मीरा से पूछते हैं, ये बदबू कैसी है, लेकिन मीरा किसी की एक नहीं चलने देती, वो सभी को फटकार के भगा देती। दिन ब दिन आस पास के लोगों का बदबू से सांस लेना मुश्किल होता जा रहा था। तब तंग आकर पड़ोसी पुणे में रह रहे अमरनाथ के बेटे को फोन कर सारी बात बताते हैं। बेटे को अपने पापा की चिंता होती है, वो तुरंत थाने में फोन कर सारा हाल पुलिस को बताता है। मिली सूचना पर बीती देर रात पुलिस मीरा का दरवाजा खटखटाती है, पर मीरा दरवाजा खोलने को तैयार नहीं। शातिर मीरा नहीं चाहती थी कि पुलिस घर के अंदर घुसे। वो घर के चारों तरफ बिजली की तार फैला देती है, जिससे आने वाले को करंट का जोरदार झटका लगे। मीरा की इन हरकतों से शक बढ़ता जा रहा था कि आखिर वो ऐसा कर क्यों रही है। पुलिस भी पीछे नहीं हटी, घर से बिजली का कनेक्शन ही काट दिया जाता है, जिसके बाद घर का ताला तोड़ पुलिस जबरन घर में घुसती है। इसके बाद घर के अंदर जो देखा, पुलिस हक्का बक्का रह गई। घर में सड़ी हुई बदबू आ रही थी। घर में पति अमरनाथ सिंह की अजली डेड बॉडी मिलती है। पुलिस मीरा से इस बारे में पूछती है। पहले तो मीरा चुप्पी साधे रहती है, लेकिन जब उसने मुंह खोला तो गजब हो गया। मीरा 5 दिन पहले ही अपने पति को मार चुकी थी, वो उसकी डेड बॉडी को भी जलाना चाहती थी, लेकिन डेड बॉडी आधी ही जली। 5 दिनों से वो अपने पति की डेड बॉडी के साथ उसी घर में रह रही थी। उसने ऐसा क्यों किया, इसका खुलासा नहीं हो पाया है। रूह कपा देने वाला ये मामला जमशेदपुर के उलीडी थाना क्षेत्र से सामने आया है। पुलिस ने मीरा को हिरासत में ले लिया है। मीरा को एक बेटा और एक बेटी है। महिला का दिमागी हालत ठीक नहीं था और अपने घर में हल्ला भी करते रहती थी, सामान उमान रोड में फेंकते रहती थी, और हम लोग इधर कुछ दिन से उनको नहीं देख रहे थे। तो कल टाउन की 8-10 औरत आई और उनको बुलाई। उनको बुलाने के बाद वो अपने बालकोनी में निकली। बालकोनी में निकलने के बाद सब उनसे मतलब गेट खुलवाना चाह रही थी, तो लोग बोली कि भाभी थोड़ा गेट खुली, हम लोग का अंदर आना है। तो बोली कि नहीं, गेट ताला बंद है, मेरे पति बाहर गए हुए हैं, अंदर से बंद करके बाहर चले गए हैं। तो लोग बोली कि ठीक है, तो आप खुलिए, आप बाहर आइए। तो बोली कि नहीं, हम कैसे आएंगे, मना करके गए हैं। वो मना कर तो फिर उन लोगों से खाने का सामान मांगी, तो उसी में से कोई सब्जी उब्जी ला करके दी, चीनी चाय पत्ती ला करके दी। तो फिर ऊपर से एक रस्सी लटका दी और सब्जी उब्जी लेकर ऊपर अपना कर ली। बहुत लोग बोली तो फिर उल्टा सीधा गलत गलत बात करने लगी, जब भैया के बारे सब कोई पूछने लगा। तो लोग बोली अगर कोई समस्या तो हम लोग टाउन को बुलाते हैं और तालाब का तोड़वाते हैं। बोली नहीं, रात हो गया, जाइए आप लोग अपने घर। और फिर उन लोगों के साथ आप बातचीत सब जैसे करती थी, हम लोग के साथ भी करती थी, उन लोगों के साथ भी करने लगी, तो लोग चली गई। फिर यहाँ पर 9:45 में पुलिस आए 2 जन। तो लोग बोले कि उनका लड़का फ़ोन किया था जादबस्ती थाने में, जादबस्ती थाने में फ़ोन किया, तो बोले कि शायद लोग फ़ोन नहीं उठा रहा, तो आया। तो फिर हम लोग से भी लोग पूछा होता, तो हम लोग बोले हाँ अभी तो शाम को निकली थी, लेकिन भैया नहीं दिख रहे कुछ दिन। भैया को हम लोग 25-26 को देखे हैं, उसके बाद वो हम लोग को नहीं दिखे। बहुत देरी वो लोग कोशिश किए खुलवाने का, तो कोई नहीं खुला। फिर उन लोग और भी अपने अफसर लोगों के इंतजार किए, फिर सब लोग आया तो पूरा टाउन जुटा। उसके बाद से वही आपका रड उड़ आया, क्या क्या चीज़ के साथ में आकर के ग्रिल उरिल तोड़ा गया, गिरने तोड़ा गया। उसके बाद सारे लोग अंदर घुसे, 2 जन जो सेठ से चढ़ के ऊपर से घुसे, वो लोग तोड़े। फिर सब घुसे तो अचानक जब गए तो उन्होंने देखे कि बॉडी पड़ा हुआ है और कमर तक सा जलाया हुआ है। और सुभाष कॉलोनी में एक जानकारी मिली थी कि घर के अंदर एक लाश पड़ी है। यहाँ आके हम लोग देखे तो लाश करीब 3-4 दिन पुराना दिख रहा था, और साथ में एक औरत भी थी जिसको हम लोग ने घर थाने लेके दिया है। बाकी बाद में जो भी आगे आएगा वो आपको कवर कर दिया जाएगा। अभी कोई विशेष नहीं करेगा, आगे जाँच करने के बाद ही इसको क्लियर हो पाएगा। जिस जिससे से लग रहा था उससे तो ये सब जाहिर हो रहा था कि वो काफ़ी ज़्यादा अपने अच्छी स्थिति में लग रही थी, और हमको लगता है कि उनकी अभी मानसिक स्थिति बहुत अच्छी नहीं है। कोहराम लाइफ के लिए विनोद केसरी और भावना ठाकुर की रिपोर्ट।